सर ये हमारा पारंपरिक सनातनी खेल है जो कि हमारे रिलीजन के अनुसार भी देखा जाए तो सतयुग त्रेता युग द्वापर युग सभी युगों में इसके इतिहास मिलता है। खिलाड़ी मिलते हैं, राजा महाराजा लोग अपने दरबार में लठित रखते थे, जमींदार लोग लठित रखते थे अपने खेतों की सुरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए। आज ये समय आ गया है कि हमारी बेटियाँ बहनें ये भी लकड़ी सीखे, हमारे छोटे भाई लोग ये भी लकड़ी सीखे और इसे राष्ट्रीय खेल में भी चुन लिया गया है। तो अब तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि लड़कियाँ लड़कियों को बिल्कुल लाठी चलाना में बिल्कुल माहिर होना चाहिए, इनके सेल्फ डिफेंस के भी लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और इसको राष्ट्रीय खेल में लेने से हमारे यहाँ तो बहुत उत्साह है। लाठी हमारे इंडिया की एक पारंपरिक खेल है, इसको अभी तक के ओलंपिक गेमों में दूसरे गेमों में नहीं लिया गया, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की हम लोगों को अमिट दान दिया हुआ है। अगर इसको अगर ये ओलंपिक में लेते हैं, नेशनल गेमों में लेते हैं तो मेरा ऐसा ख्याल है कि हमारे बच्चे भविष्य में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर इसको ओलंपिक में लेते हैं तो मेरा ऐसा ख्याल है कि सब जगह कैंप लगा के बच्चे गोल्ड के लिए बराबर प्रयत्न कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये गेम सबसे सस्ता और सबसे सुंदर गेम है क्योंकि इसमें शरीर की भी क्षमता देखी जाती है, जिसके शरीर में ताकत होगी वही इन गेमों को खेलेगा।